नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। परसोडी मत्स्य विभाग कार्यालय के पीछे झाड़ियों में मिला व्यक्ति का सड़ा गला शव, पुलिस ने शव को जब्त कर भेजा पोस्टमार्टम हाउस। बोड़ाम के मिर्जाहड़ी में आपसी विवाद में कुछ युवकों ने एक युवक की पीट पीट कर की हत्या। पोटका प्रखंड में पहली बार हुआ रोजगार मेले का आयोजन, 20 कंपनियों द्वारा ली गई भर्ती। और दीपावली का दिन मनाए जाने वाले सोहराय पर्व की तैयारी में जुटे आदिवासी, बैल और धान की जाती है पूजा। खबरें अब विस्तार से। परसोडी थाना अंतर्गत मत्स्य विभाग कार्यालय के पीछे झाड़ियों से सोमवार रात एक युवक का सड़ा गला शव बरामद किया गया। शव काफी सड़ गया है जिससे उसकी पहचान हो पाना काफी मुश्किल है। पुलिस ने शव को जब्त कर उसे पोस्टमार्टम हाउस के शव गृह में रखवा दिया है। मृतक ने हाथ में एक कड़ा पहना हुआ है। इधर शव मिलने पर मत्स्य विभाग में सुरक्षा की पोल खुल गई है। इससे साफ पता चलता है कि कार्यालय बंद होने के बाद वहां किसी तरह की सुरक्षा के इंतजाम नहीं है और कोई भी अनहोनी हो सकती है। वहां लाइट की अच्छी व्यवस्था है, इसके बावजूद भी परसोडी थाना प्रभारी को काफी मशक्कत करनी पड़ी लाइट जलवाने में, तब जाकर 3 घंटे बाद लाश को निकाला जा सका। थाना प्रभारी ने JCB का भी इंतजाम किया था। पुलिस ने मृतक की पहचान के लिए आसपास के लापता लोगों की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा अन्य थानों से भी संपर्क किया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि युवक की हत्या कर शव को फेंका गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। विभाग के पीछे में जो लाश बरामद हुई सड़ी गली अवस्था में, इस तरह की घटना काफ़ी निंदनीय है और हम सराहना करेंगे हमारे थाना प्रभारी के, जिनकी कड़ी 3 घंटों के मेहनत के बाद मिस्त्री के द्वारा लाश को बरामद किया गया और ये काफ़ी सड़ा गला। अगर लाइट जला रहता तो कोई भी हत्या करने वाले युवक जो भी है तो हमको नहीं लगता है कि वो हिम्मत करते कि यहाँ पे लाश आके मार के या फेंक दे। ये चीज़ है, निवेदन ये चीज़ है कि यहाँ के विभाग के जो आदमी है मत्स्य विभाग की, कम से कम लाइट की जो व्यवस्था है, हाईमास्ट 3-3 ठो लाइट लगा हुआ है, उसको शाम को 6 बजे के बाद जला दें कि पूर्व में ऐसी घटना यहाँ पे नहीं घटित हुई। क्या लगता है कि मतलब कि विभागीय मतलब लापरवाही 100% विभागीय लापरवाही है, विभागीय का आदमी है। थाना प्रभारी जब पहुंचे हैं, जब उन्हें अपना बात कहे तब उन लोगों ने लाइट जलाया, जब इतना सारा लाइट, अभी देखिए लग रहा है कि मैच खेल लेगा, इतना लाइट है, इतना सुंदर लग रहा है, तो ये लाइट अगर जला रहेगा तो हमको नहीं लगता कि पूर्व में ऐसी घटना घटी है। लाइट ने संभव ही नहीं था, संभव ही नहीं था कि कोई लाश ला के यहाँ पे फेंक पाए। इधर बोड़ाम थाना अंतर्गत मिर्जाडी गांव के रहने वाले मनोज गोराई के गांव के ही कुछ लड़कों के साथ आपसी विवाद हो गया। इसके बाद गांव के लड़कों के द्वारा पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें, मनोज गोराई 10वीं का छात्र था। गांव में ही बच्चे बच्चे की लड़ाई में 2 दिन पूर्व विवाद हो गया था। देर शाम मनोज गोराई घर पर ही अकेला सो रहा था। गाँव के ही लड़के घर में घुसे और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे मनोज ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। परिवार के लोग ग्रामीण SP से इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचे और हत्यारे की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की। मनोज गोराई क्या करता था? वो घर में सर कपड़ा करता था, सर घर में तो कोई काम नहीं करता, हम लोग तीनों भाई काम में किए थे सर, कोई नहीं था घर में सर, मार के मरा। कितना उम्र कितना है? 16-17 हो गए सर। गांव का नाम क्या है? मिर्जाडी। थाना क्या पड़ता है? गोड़ाम। आज किससे मिलने के लिए आप लोग आए? ग्रामीण SP से। ग्रामीण SP मिलने के लिए आए सर। कौन लोग मारा आपका भतीजा को? भरत सिंह। अरे यहाँ सर मारा। क्या कोई पुराना दुश्मनी है? पुराना दुश्मन कुछ नहीं था सर उससे। क्यों मारा? क्यों मारा सर? हम लोग तो पीपा के आया सर, घर में घुसा दम तक मारा सर भतीजे को। हम लोग कोई नहीं था सर घर में, वो अकेला था सर, अकेले उसको खत्म कर दिया सर मार के। उधर जमशेदपुर के सुदूर ग्रामीण इलाकों में शुमार पोटका प्रखंड में पहली बार क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार के प्रयास से रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग सेक्टर के 20 कंपनियों के द्वारा अलग अलग रिक्त पदों पर भर्ती ली गई। पोटका प्रखंड कार्यालय के पास एक दिवसीय दंतोपंत ठेकरी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। बता दें, जमशेदपुर से सटे ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है, जहां तकरीबन 2000 रिक्त पदों के लिए भर्ती कैंप लगाया गया। इसमें शिक्षा, टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट, फूड इंडस्ट्री एवं रिटेल चेन जैसी कंपनी शामिल हुई।
उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार मौजूद रहे। उन्होंने तमाम युवाओं को इसका लाभ लेने की अपील की, साथ ही त्वरित नियुक्ति प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया। नियुक्ति प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी नजर आई। विधायक संजीव सरदार ने तमाम अभ्यर्थियों को अपनी शुभकामनाएं दी, साथ ही कहा कि आगे ये सभी अपने पढ़ाई को काम के साथ जारी रखें ताकि आगे और ऊंचे पायदान पर ये चयनित हो सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयास से ही यह रोजगार मेला लगाना संभव हो पाया है। इसके लिए वे मुख्यमंत्री एवं श्रम मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वहीं नियुक्ति प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों ने कहा कि उनके घर में रोजगार का साधन काफ़ी कम है और इस मेले के माध्यम से उन्हें यह नौकरी प्राप्त हुई है। अब वे रोजगार कर खुद को स्वावलंबी बना पाएंगे, साथ ही आगे शिक्षित भी हो पाएंगे। इन्होंने विधायक संजीव सरदार के प्रयासों की सराहना भी की। और इस रोजगार मेला में लगभग 16 कंपनी आए हुए हैं और इस 16 कंपनी में से लगभग 1900 से 2000 हमारे युवा युवकों को रोजगार देने के लिए, और हमें लगता है कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, रोजगार मेला के माध्यम से आज लगभग 1900-2000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। और जो कि वास्तविकता ये है कि अगर हम लोग गांव तरफ जाते हैं तो कोई एक अभी वर्तमान समय में आदमी शिक्षित है, क्वालिफाइड है, लेकिन घर में बैठा हुआ है। ये एक संपर्क नहीं होने का कारण जो भी सरकारी नौकरी आते हैं, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र की, ये तो ऑनलाइन चाहे प्रेस के माध्यम से मिल जाता है। ये बहुत बढ़िया माध्यम है सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि उन सारे कंपनी को ला के एक जगह और उसके पास रोजगार मेला का से लोगों तक हमारे युवा युवक तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस युवा को सोचते हुए आज जो भी झारखंड में चाहे प्राइवेट सेक्टर में कोई भी कंपनी लगेंगे उनको एक्ट के तहत आज अगर कंपनी लगते हैं 1000 से लेके अगर 40,000 तक कोई भी कंपनी में रोजगार के तहत अगर उनको मानदेय या चाहे पैसा अगर मिलेगा, उसको 75% अगर मान लिया जाए 75% लोगों को रोजगार देना है, उसी के तहत भी ये काम हो रहा है। और हमें लगता है कि इसमें काफ़ी हमारा युवा युवकों को लाभ लेंगे। वहीं आदिवासी समुदाय सोहराय और बांदना पर्व की तैयारियों में जोर शोर से जुट गया है। बता दें कि दीपावली के दिन आदिवासी समुदाय सोहराय पर्व मनाता है। इस दिन इनके द्वारा बैल और धान की पूजा की जाती है। मान्यता है कि सोहराय के दिन कृषि कार्य संपन्न कराने में बैल की भूमिका और उनके मेहनत से उपजे अनाज की पूजा की जाती है। इससे पूर्व लोग अपने अपने घरों की प्राकृतिक तरीके से रंगाई पुताई करते हैं। इसकी तैयारी पिछले एक महीने से आदिवासी महिलाओं के द्वारा की जा रही थी, जहां पहले मिट्टी लाई जाती है और मिट्टी को गूंदकर घरों को आकार दिया जाता है और उसमें खूबसूरत तरीके से पेंटिंग की जाती है। दीपावली के दिन आदिवासी किसान अपने अपने बैलों का चुमावन करते हैं। उसके बाद अगले दिन खेतों से धान की बालियां लाकर उससे बैलों की चुमावन कर खुले मैदान में बैलों का नाच कराते हैं। बता दें कि आदिवासी समुदाय प्रकृति प्रेमी होते हैं। उनके हर पर्व त्यौहार में प्रकृति संरक्षण का संदेश छिपा होता है। सोहराय और वंदना पर्व भी उन्हीं पर्व में से एक है। आधुनिकता के दौर में आदिवासी समाज आज भी परंपराओं का निर्वहन कर रहा है, यही इस समाज की खूबी है। सोहराय पर्व की तैयारी कर रही है, एक महीना से मट्टी लाते हैं, घर सब करते हैं, द्वार सब रंग देते हैं और सोहराय पर्व के हम लोग पूजा करते हैं। धनतेरस का जो बनाते हैं ना धनतेरस में, उसको पूजा करते हैं घर में, इसीलिए एक महीना से हम लोग सब तैयारी करते हैं घर का। उधर बिहार राज्य में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रियाजुल हक अपने निजी कार्य से मंगलवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां परिसदन में जिला कांग्रेस ने उनका स्वागत किया। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा और भारत आगे बढ़ेगा। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि बिहार राज्य आज प्रगति के मापदंड को छू रहा है। बिहार राज्य सरकार लगातार युवाओं को किए गए वादे के तहत उन्हें नौकरी दे रही है। जाति जनगणना जो देश के कई राज्यों में मांग हो रही है,
उसे बिहार राज्य सरकार ने कर दिखाया है और इसके बाद कई राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में इंडिया गठबंधन की जीत होगी और भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी। आज जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जातीय जनगणना, जातीय गणना, उन्हीं लोगों के नेताओं का देन है कि बिहार में जातीय गणना हुआ, जो आज पूरे देश इस पर चर्चा कर रही है और जो ये अच्छी पहल है। बिहार के होने के बाद से राजस्थान में भी उठने लगा है, झारखंड में भी उठने लगा है गणना की बात है। हमको लग रहा है पूरे देश में हम लोग की सरकार आएगी तो पूरे देश में गणना कराया जाएगा, ताकि जिसकी जितना हिस्सेदारी हो उतनी भागीदारी मिल सके, चाहे राजनीति का एरिया हो या नौकरी का बात हो। और पोटका विधायक संजीव सरदार ने 7 योजनाओं का शिलान्यास किया। पोटका प्रखंड अंतर्गत माटकू, बाड़ेडी, मानहाड़ा, सोहदा, गुवालकाटा, दुंतकंडी आदि क्षेत्रों में धूमकुड़िया भवन और जाहिर स्थान घेराबंदी का शिलान्यास किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि हर क्षेत्र में विकास हमारी सरकार कर रही है। 7 योजना का, एक जहर बाउंड्री और बाद बाकी धूमकुड़िया भवन का आज शिलान्यास हुआ है। लगभग एक कितना लगत है, लगभग 24,80,000 का एक धूमकुड़िया भवन है और एक जहर बाउंड्री का है जो 14,00,000 का है। तो ये सरकार का उद्देश्य है कि जितने भी हमारे झारखंड के लोग, हमारा स्थानीय मूलवासी आदिवासी रहते हैं, सभी धर्म स्थान का घेराबंदी हो, सुसज्जितकरण हो और साथ ही साथ हमारा जो गांव स्थित है, गांव में जो हमारे प्रधान हैं, माझी बाबा लोग हैं, सामाजिक संगठन है, कोई भी गांव में सामाजिक गतिविधि होता है तो प्रधान की आवश्यकता पड़ता है या साथ साथ प्रधान को देखरेख के लिए गांव का आवश्यकता पड़ता है। तो एक छत देने के लिए, एक भवन देने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, ताकि उस भवन के माध्यम से गांव के सारा सामाजिक हो, आर्थिक हो, चाहे शादी विवाह हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उस भवन में रहते हुए गाँववासी एवं प्रधान रहते हुए वही भवन में निष्पादन करें, यही सरकार का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ हर एक गांव-गांव में धूमकुड़िया भवन देने का काम कर। इधर बिष्टुपुर स्थित रविंद्र विद्यालय सभागार प्रांगण में झारखंड म्यूजिक कंपटीशन का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित रविंद्र विद्यालय सभागार प्रांगण में झारखंड म्यूजिक का कंपटीशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कलाकारों को बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराना था। कंपटीशन का मतलब नहीं है कि उसमें सबको फर्स्ट सेकंड होना ही है, ओनली पार्टिसिपेशन जो है ये बहुत जरूरी है। अभी इस कंपटीशन इस साल 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ, 8 नवंबर तक ये चलेगा कंटिन्यू और 10 तारीख को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगा। उधर आजाद नगर ग्रीन वैली स्थित रोड नंबर 8 के समीप अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आजाद नगर थाना स्थित ग्रीन वैली स्थित रोड नंबर 8 के समीप पुलिस ने अज्ञात महिला का शव बरामद कर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। बताया जाता है कि मृतक महिला 2 दिनों से सड़क पर भटक रही थी। वो बीमार थी, उसका सांस फूल रहा था और पता नहीं कौन थी, कौन नहीं, वहाँ थी, वहाँ से यहाँ आई, फिर यहाँ से हम लोग वहाँ पे बिछा दिए। कब से कब तक ठीक थी, होश में थी पूरी। कब से ये महिला थी कुछ पता? कल रात से आई हुई। कहाँ से है कुछ पता चला? फिर आप लोग कम्बल वगैरह आप लोग? हाँ। बीमार थी महिला? हाँ, सांस फूल रहा था। अच्छा, डेट कब की? अभी 5:30 बजे। अच्छा, आज डेट की है? हाँ, अभी ये अभी तो जिंदी थी जब हम लोग कम्बल उम्बल उड़ाए तो। अच्छा, उसके बाद अभी डेट कर गई, देखे तो नहीं है, तो हम ही लोग खबर किए सब। कहाँ की है कुछ पता चल रहा? कुछ पता नहीं चल रहा। कितना उम्र होगा? लगभग 62-65 साल हो रहा। यहाँ के बस्ती वासी क्या बता रहे, कब से ये महिला? यहाँ के बस्ती वाले लोग नहीं पहचानते नहीं है और जानते भी नहीं है, कल रात ही आई है और अभी तक कुछ पता। इस बस्ती की नहीं है? इस बस्ती। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। झूमे रे झूमे 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 इस त्योहार।
गोलछा साड़ी सेंटर, गोलछा साड़ी सेंटर अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है, सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिश्तीपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 0657-23-20075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। डोबो स्थित कमारगोड़ा में क्वांटम एनर्जी लिमिटेड और रन टोटो प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन के शोरूम का उद्घाटन किया गया। डोबो स्थित कमारगोड़ा में क्वांटम एनर्जी लिमिटेड और रन टोटो पुट लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन के शोरूम एवं रीजनल ऑफिस का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए क्वांटम एनर्जी लिमिटेड के MD कुशल चुक्कापल्ली ने बताया, कार्यक्रम में मुख्य रूप से रन टोटो प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सन्नी सानंद समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। फ्रॉम हैदराबाद से हमारा 4 मॉडल है, ये आप देख सकते हैं प्लाज्मा का, ये अभी पूरा मेड इन इंडिया है। अगले महीने से फेम सब्सिडी भी इसका अप्लीकेबल होगा। और दूसरा है हमारा फेमस मॉडल बिजनेस, वो B2B एंड बोथ B2C के लिए डिजाइन किया करा गया था। और ये दो मॉडल है मिलान और इलेक्ट्रॉन, ये मिलान स्पेशली लेडीज़ के लिए देख के डिज़ाइन किया हुआ है एंड इलेक्ट्रॉन फॉर बोथ। तो हमारा ये है कि प्राइसिंग हम थोड़ा सा क्या है कि वी ट्राइड टू बी हम 1 लाख के अंदर रखने के लिए कोशिश कर रहा है। और सब गाड़ी एक्सेप्ट आई थिंक प्लाज्मा, आप सभी आप 1 लाख के अंदर खरीद सकते हैं सब। JNAC के सफाई ठेकेदारों ने हड़ताल वापस लिया। सुचारू रूप से पूर्व की भांति शहर का साफ सफाई होगा। विगत 10 माह से सफाई ठेकेदारों को आमंत्रण नहीं मिलने के कारण नाराज सफाई ठेकेदारों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। JNAC के पदाधिकारी के साथ बैठक में ठेकेदारों के समस्या का समाधान किया गया। अब पूर्व की भांति
कल से शहर का साफ सफाई नियमित रूप से हो सकेगा। डीएमसी सर की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव मीटिंग रहा है सारे सफाई संवेदकों के साथ, जिसमें कि सभी को से बातचीत हुई। कुछ दिक्कतें संवेदकों के द्वारा कही गई थी सर को, तो सर की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है कि किसी भी प्रकार का जो लंबित भुगतान है, भुगतान संबंधित इश्यूज़ के वजह से वो लोगों ने स्ट्राइक किया था, लेकिन ये स्ट्राइक कल नहीं रहेगी। और सारे संवेदक ने प्रॉमिस किया है कि वो लोग वापस से साफ सफाई का विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि अभी सामने त्यौहार भी है, घाट है और सारे रेजिडेंशियल एरियाज हैं, पब्लिक एरियाज हैं, तो उसमें जो बाधा अभी तक 2-3 दिन हुई थी, अभी इस तरह की दिक्कतें कल से नहीं आएंगी। धनबाद में आयोजित झारखंड स्टेट शिशु विशेषज्ञ के वार्षिक सम्मेलन में एमजीएम के डॉक्टरों का रहा बेहतर प्रदर्शन। धनबाद में 4 एवं 5 नवंबर को आयोजित झारखंड स्टेट शिशु विशेषज्ञ के वार्षिक सम्मेलन में एमजीएम अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों का बेहतर प्रदर्शन रहा। इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर के चौधरी ने बताया, ये लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे डिफरेंट साइंटिफिक प्रोग्राम्स में, जैसे अपना रिसर्च पेपर पढ़ना था वहाँ प्रेजेंट करना था और रिसर्च से रिलेटेड पोस्टर बनाना था और उसका प्रेजेंटेशन था। इसमें उन लोगों ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया और झारखंड के विभिन्न जो मेडिकल कॉलेज या जो हॉस्पिटल्स के जो पीजी हैं, उसके अलावा बिहार से भी कुछ लोग आए हुए थे वहाँ पर पीजी स्टूडेंट्स, उन लोगों के बीच में रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन में पहला प्राइज जमशेदपुर के हमारे एमजीएम के पीजी स्टूडेंट डॉक्टर जानकी पोनस जानकी रमन को मिला, और जो साइंटिफिक पोस्टर प्रेजेंटेशन था उसमें हमारे यहाँ के एमजीएम के डॉक्टर राघवेंद्र सिंह और डॉक्टर नसीबा तस्नीम को भी सेकेंड और थर्ड प्राइज मिला। इसके अलावा जो पीजी क्विज हुआ जिसमें विभिन्न कॉलेजों के विभिन्न जगहों के पीजी स्टूडेंट बिहार के भी थे, उनके बीच हमारे समीक्षा संतालिया और पोनस जानकी रमन की टीम को विशेष सांत्वना पुरस्कार मिला। तो ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा, इसी को बढ़ावा देने के लिए और आगे से और भी लोग इस तरह के साइंटिफिक प्रोग्राम में हिस्सा लें, इसके लिए हम लोगों ने उन लोगों को आज सम्मानित किया और उनका उत्साहवर्धन किया। जमशेदपुर मैदान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय खो खो खेल का समापन। पहली बार राष्ट्रीय खो खो खेल प्रतियोगिता तारापुर स्कूल एग्रिको की मेजबानी में CISE के अंतर्गत सम्पन्न हुई, जिसमें गुलमोहर हाई स्कूल तथा केरला समाजम स्कूल ने अपनी सक्रिय सहभागिता तथा उचित प्रबंधन से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम के समापन का अंतिम दिवस था, जिसकी जिम्मेदारी गुलमोहर हाई स्कूल की थी। इस कार्यक्रम में 10 क्षेत्रों के विद्यालयों के लगभग 400 विद्यार्थियों ने अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज की। इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाने के लिए CISE के ऑब्जर्वर सुजय विश्वास मौजूद थे। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तीनों स्कूल प्रबंधकों की जमकर सराहना की। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत भाषण से हुई। प्राचार्य प्रीति सिन्हा के सक्रिय नेतृत्व में गुलमोहर हाई स्कूल के प्राथमिक कक्षा के बच्चों द्वारा चंद्रयान मिशन पर नृत्य तथा उच्च कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा खेलकूद के महत्व पर नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसे देखकर सभी हृदय से गदगद हो उठे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन तथा राष्ट्रगान गुलमोहर हाई स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा सम्पन्न हुआ। जितना भी गेम्स है, काउंसिल ने 29 गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। काउंसिल के बिहाफ में ये खो खो ऑर्गेनाइज करने के लिए ये फर्स्ट टाइम है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये फर्स्ट टाइम है, वो फर्स्ट टाइम का अपॉर्चुनिटी मिला बिहार झारखंड को, ये बहुत बड़ी बात है। 37वीं राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में आयोजित हुआ, जिसमें रोल बॉल प्रतियोगिता मनोहर परिकर इंडोर स्टेडियम मरगांव गोवा में हुआ। इस प्रतियोगिता में पूरे भारतवर्ष से 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज 10,000 प्लेयर्स ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में झारखंड राज्य की पुरुष वर्ग ने कांस्य पदक जीतकर झारखंड का मान बढ़ाया। झारखंड राज्य की महिला टीम भी तीसरे स्थान हासिल किया, लेकिन गोल के अंतर के कारण कांस्य पदक से वंचित होना पड़ा। झारखंड राज्य की महिला से सबसे ज्यादा गोल लवली कुमारी ने किए, वहीं पुरुष वर्ग में झारखंड राज्य से सबसे ज्यादा गोल श्रीकांत साहू ने किए। इस पूरी रोल बॉल प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल झारखंड पुरुष टीम ने गोवा के खिलाफ 31 गोल करके नेशनल रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। रोल बॉल के अधिकांश खिलाड़ी टाटा ट्रेनिंग सेंटर से है। अभी जो हम लोग का सेमीफाइनल्स मैच हुआ था, उसमें बस हम लोग एक गोल से मेडल नहीं ले पाए, पर नेक्स्ट टाइम हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि हम लोग को मेडल मिले, वो भी गोल्ड मेडल, और यही रहेगा हम लोग का कोशिश। और हम लोग बहुत प्रयास से, बहुत तेज से हम लोग चाहे थे कि हम लोग को मेडल मिल जाए, पर वो नहीं मिल पाया।
पहले तो पूरे झारखंड के जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं और जितने भी मीडिया के मेंबर हैं सबको धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि इतना ऐसा वेलकम हम अभी तक सोच नहीं पाए थे। मेरी टीम काफ़ी अच्छा खेली वहाँ पे, कुछ गलतियों के कारण हम चूके हैं गोल्ड मेडल से, और बहुत गर्व से बोलेंगे कि हमारे बॉयज़ तो मतलब पूरे 37 नेशनल गेम्स में अपना परचम लहरा कर आए हैं, एक दबदबा बनाए हैं, तो वहीं हमारी महिला टीम जो लड़कियां हैं उन्होंने भी पूरी टक्कर दी है। मात्र एक गोल की वजह से हमने थोड़ा सा चूक कर लिया है, लेकिन हम जितने भी झारखंडवासी सबसे मतलब ये वादा करते हैं कि नेक्स्ट 38 नेशनल गेम्स में हमारा महिला और पुरुष दोनों टीम हम गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। टोटल जितने भी आज हमारे रोल बॉल की जो हिंदुस्तान में जो टीम है सब कम से कम डरने लगी है झारखंड की टीम से, और आने के बाद जो अभी हम देख रहे हैं स्टेशन में जो हमारा जो स्वागत हुआ हमें भी अंदाजा नहीं था कि इतना भव्य स्वागत होगा और इतने मतलब लोग और इतने जो पेरेंट्स आएंगे और आप मीडिया वाले जो इतना तादाद पर जो आए हैं सभी के हम लोग धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। जमशेदपुर JNFF फिल्म महोत्सव में शिरकत करने पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाकिनी, कहा बॉलीवुड में नाम कमाने मेहनत के साथ अच्छे लोगों का साथ है जरूरी। सरायकेला खरसावा झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सीजन 4 के समापन पर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस और राम तेरी गंगा मैली फेम मंदाकिनी मंगलवार को सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ विश्वविद्यालय पहुंची, जहां लेजेंडरी एक्ट्रेस की एक झलक पाने यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के साथ फिल्म महोत्सव में हिस्सा ले रहे लोग आतुर दिखे। फिल्म महोत्सव कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाकिनी के साथ झारखंड के पद्मश्री लोक गायक मुकुंद महतो भी अतिथि के रूप में पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम की शुरुआत के अवसर पर श्रीनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति गोविंद माधव महतो प्रति कुलपति सुखदेव महतो ने स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान श्रीनाथ विश्वविद्यालय की छात्रा छात्राओं ने फिल्म एक्ट्रेस मंदाकिनी के ऊपर फिल्माए गए कई फिल्मी गानों पर नृत्य पेश कर लोगों को झूमने पर मजबूर किया। वहीं इस दौरान मंदाकिनी भी अपने गानों पर छात्रों को परफॉर्म करता देख काफ़ी खुश हुई। कार्यक्रम के दौरान टॉक शो का भी आयोजन किया गया, जहां फिल्म एक्ट्रेस मंदाकिनी ने कार्यक्रम के संचालिका द्वारा पूछे गए कई सवालों का जवाब दिया। बॉलीवुड में नाम कमाने और आगे बढ़ाने के सवाल पर मंदाकिनी ने कहा कि लगन मेहनत के साथ बॉलीवुड में अच्छे लोगों का साथ और मार्गदर्शन मिलना कलाकारों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। मंदाकिनी ने बताया कि कुछ एल्बम और फिल्मों में उनकी वापसी हुई है। राजनीति में आने के मुद्दे पर मंदाकिनी ने कहा कि फिलहाल कोई प्लान नहीं है। हाँ, बस यही जो मैंने अभी बोला कि सब लोग जिस जिस फील्ड में हैं अपना काम अपनी लगन से करिए, मेहनत से करिए, बड़ों के आशीर्वाद के साथ करिए, तभी आप लाइफ में सक्सेस होंगे। अपने माँ बाप का दिल मत दुखाइए, उन्हें खुश रखिए। माता पिता को जो खुश रखता है, जो उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ता है, वो कभी ना कभी ज़रूर सक्सेस हो जाता है। बस यही मैं सबसे कहना चाहूँगी। झारखंड में फिल्मों का क्या स्कोप है, क्या आगे बढ़ सकता है यहाँ का इंडस्ट्री? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ना भी चाहिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं सब लोग। और आई थिंक 4 साल हो गए हैं ये फेस्टिवल होते हुए, फोर्थ ईयर है ये, तो मैं चाहूँगी कि बहुत अच्छा हो यहाँ पे, और भी अच्छा हो। और मैं जो भी गवर्नमेंट अभी है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इनको एक चीज़ सपोर्ट मिले, आपका मतलब आपको सपोर्ट मिले सब चीज़ों का, और जो भी फैसिलिटीज़ आप लोगों को चाहिए वो प्रोवाइड की जाए ताकि आप और आगे बढ़ सकें। और आई एम श्योर मतलब यहाँ पे इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, इतना यंगस्टर हैं, तो आप जो भी काम कर रहे हैं उन उस चीज़ से उनको भी बहुत फ़ायदा होगा, सबको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। शारदा बेड़ा हुदू डुमरा सड़क पुनर्निर्माण संघर्ष समिति के संरक्षक सह भाजपा के नेता रमेश हांजा के नेतृत्व में सरायकेला खरसावा उपायुक्त को माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार नामक ज्ञापन सौंप कर मांग किया गया कि सड़क के निर्माण जल्द किया जाए। हुदू एवं डुमरा पंचायत के सभी ग्रामवासी विगत 2 साल से हुदू डुमरा मुख्य सड़क पुनर्निर्माण की मांग को लेकर लगातार संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। कई बार धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल के बाद आपकी सरकार ने पिछले कैबिनेट में इस सड़क के निर्माण हेतु 53 करोड़ रुपया का अनुमोदन किया, जिसे लेकर सभी ग्रामवासी ने उपायुक्त का आभार व्यक्त किया। वहीं रमेश हांसदा ने कहा जिले में ऐसे कई सड़क है जिनका सेक्शन होकर के 3-4 साल हो गया है, बावजूद इसके अभी तक सड़क का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। RIT मुख्य सड़क से ईटागढ़ महुल्डी होते हुए हेसल तक जाने वाली सड़क का भी कैबिनेट में अनुमोदन हुआ था, 2 साल बाद भी अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया। ऐसे कई और भी सड़क है जो अनुमोदन होने के बाद भी जमीन धरातल में नहीं उतरे हैं। उन्होंने आग्रह किया है कि इस सड़क की जरूरत को देखते हुए अविलंब सड़क का टेंडर निकाला जाए और चुनाव से पहले इस सड़क का निर्माण आरंभ किया जाए। यह सड़क इस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा के समान है।
उन्होंने अविलंब सड़क का टेंडर किया जाए और सड़क का निर्माण करने का मार्ग प्रशस्त करने की मांग की है। और हम लोग आग्रह किया है और धन्यवाद भी दिया है कि आपने कैबिनेट में पास तो कर दिया है, लेकिन जब तक टेंडर नहीं होता, जमीन में जब तक नहीं आता है, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए आग्रह है कि जल्दी से जल्दी टेंडर करके इस सड़क को जल्दी निर्माण किया जाए, क्योंकि ये सड़क की हालत बहुत ही जर्जर है, वहाँ के लोग नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन होगा और गांव वाला का ये आह्वान भी है, सड़क नहीं बनेगा तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। छंदबंध रचनाओं की गीतमय प्रस्तुति के साथ छंदमाल्य भाग तीन का आयोजन बिष्टुपुर स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन के सभागार में छंदमाल्य कवि मंडपम जमशेदपुर द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जयपुर राजस्थान से आए छंदाचार्य गोप कुमार मिश्र ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में छंदज्ञ दिनेश रवि कर रांची से पधारे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसन्नजीत तिवारी तथा रामनंदन प्रसाद उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी एवं साहित्य प्रेमी गोविंद दोदराज का जी को छंदमाल्य सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संयोजन प्रतिभा प्रसाद कुमकुम एवं डॉक्टर संध्या सिन्हा ने संयुक्त रूप से किया। संचालन की जिम्मेदारी सभी 11 छंद साधकों ने मिलकर निभाई। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं साधकों द्वारा सरस्वती वंदना के साथ किया गया। छंदों का यह अद्भुत कार्यक्रम कुछ इस तरह के नियोजित किया गया कि जिसमें किसी भी वाक्य को गद्य में उच्चारित नहीं किया गया। अतिथियों का स्वागत, मंच पर आमंत्रण, आभार संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन तक के कार्यों को केवल छंदों में ही किया गया। यहाँ तक कि समीक्षात्मक टिप्पणियाँ भी छंदों में की गई। वर्तमान में जहाँ छंदों का स्थान फुहड़ता युक्त कविताओं और चुटकुल्लों ने ले लिया है, वहीं शहर के छंदज्ञ प्रतिभा प्रसाद कुमकुम ने शहर के प्रतिभाशाली कवियों को छंद ज्ञान से अवगत कराने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने बताया कि आज जमशेदपुर के अधिकांश कवि व कवियत्री छंद की जानकारी रखते हैं और मंचों पर छंद की प्रस्तुति देने में सक्षम लगने लगे हैं। छंदों से क्या है कि गेयता बढ़ती है, कविता की गेयता बढ़ती है और लोगों को सुग्राह्य है और आत्मग्राही है कि जो संप्रेषण इसमें यानी छंदों के द्वारा जो बात कही जाती है वो दिल से सीधे दिल तक उतर जाती है। छंदमाल एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सनातन छंदों को जागृत करने के लिए प्रयासरत हैं हम लोग, और 11 प्रतिभागियों द्वारा ये शुरू से ही 11 प्रतिभागियों द्वारा इसमें अपनी छंदों द्वारा प्रस्तुति दी जाती है, जिसके कारण छंद सनातन छंद 4 या 5 छंदों में हम 6 महीने तक अभ्यास करते हैं और उसकी छंदों में सुर साधते हैं कि छंद को किस तरीके से जागृत किया जाए, कैसे उसको सुरमय प्रस्तुति की जाए। सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए 6 महीने से हम 11 छंद साधक लोग आदरणीय प्रतिभा प्रसाद कुमकुम के सानिध्य में और गोप कुमार मिश्र जो कि हमारे छंद गुरु हैं जो कि जयपुर राजस्थान से पधारे हैं उनके सानिध्य में हम अभ्यास कर रहे थे, रचना कर रहे थे और सब तरीके का हमने हर तरीके से प्रयास किया और आज उसकी एक तरह से समझे कि छंदमाल्य 3 हमारी परीक्षा है जिसका हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। परसोडी मत्स्य विभाग कार्यालय के पीछे झाड़ियों में मिला व्यक्ति का सड़ा गला शव, पुलिस ने शव को जब्त कर भेजा पोस्टमार्टम हाउस। बोड़ाम के मिर्जाहड़ी में आपसी विवाद में कुछ युवकों ने एक युवक की पीट पीट कर की हत्या। पोटका प्रखंड में पहली बार हुआ रोजगार मेले का आयोजन, 20 कंपनियों द्वारा ली गई भर्ती। और दीपावली के दिन मनाए जाने वाले सोहराय पर्व की तैयारी में जुटे आदिवासी, बैल और धान की जाती है पूजा। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।